ये देखिए, ये मैंने 500 ग्राम्स पनीर लिया है, और ये घर में बनाया हुआ पनीर है। इसका वीडियो मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। इसको कोट करेंगे हम मैदा और कॉर्नफ्लावर से, वो मैंने लिया है। दो फ्राई करने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, स्प्रिंग अनियन मैंने 4 लिए हैं, मतलब एक बंडल। 2 कैप्सिकम लिया है, 1 टेबलस्पून विनेगर लिया है, 4 ग्रीन चिलीज चॉप लिए हैं, 2 टेबलस्पून चॉप गार्लिक है, 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर, 1/2 टीस्पून शुगर लिए है मैंने, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून अजीनोमोटो लिया है मैंने, और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। आप ये इस पनीर को अब हम कोट करेंगे। कोट करके हमें फ्राई करना। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और 2 बड़े चम्मच ही मैदा। इसको मिक्स कर लीजिए, और इसमें थोड़ा 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और ये ब्लैक पेपर है, क्रश ब्लैक पेपर। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो हम ग्रीन चिलीज डालेंगे, ग्रीन चिलीज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्स करके ये पनीर मैं इसमें डालूंगी क्यूब्स, और हमने कोई पानी और लिक्विड कुछ नहीं डालना है, बस इसको इससे कोट करना है। जो पनीर का में से जो पानी रिलीज होगा, उसी से ये मैदा और कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर कोट हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए, अगर हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे तो ये पनीर क्यूब्स टूटने का डर रहता है। मैं इनको इस तरह से मिक्स करती हूँ। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कैसे पूरा मैदा और कॉर्नफ्लावर कोट हो गया पनीर के ऊपर। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये ऑयल हमारा हीट हो चुका है, इसमें अब ये पनीर जो हमने कोट किया है मैदा और कॉर्नफ्लोर से, उसको फ्राई करेंगे। फ्राई अभी हो गया है, इसको हमें रेड या ब्राउन या कुछ कलर नहीं देना है, नहीं तो पनीर जो है हमारा वो ड्राई हो जाएगा और इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा। अभी मैं इसको निकाल दूंगी। ये देखिए पनीर की सॉफ्टनेस हीट हो चुका है। मैं इसमें ऑयल डालूंगी, जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था, मैं वही ऑयल ले रही हूँ। इसको हमने बहुत क्विकली फ्राई करना है। सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ ये चॉप गार्लिक, चॉप चिली, चॉप जिंजर एंड सम स्प्रिंग अनियन एंड कैप्सिकम। इसको थोड़ा सा सॉटे करना है। फ्लेम एकदम हाई पे रखना है, नहीं तो कैप्सिकम सॉगी हो जाएगी और फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा उसका। अब मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल दूंगी। ये मैंने लिया है शुगर, ये है अजीनोमोटो, और ये सोया सॉस, और अभी मैं पनीर भी इसमें डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई किया था। और मैं सॉल्ट डालूंगी। ध्यान रखिए सॉल्ट पनीर में भी है और सोया सॉस में भी बहुत सॉल्ट होता है, तो आप पहले थोड़ा ही डालिए। मैंने 1/2 टीस्पून के करीब डाला है। अब पनीर की सॉफ्टनेस को मेंटेन करने के लिए मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूंगी, जिससे पनीर की जो कोटिंग है वो हार्ड नहीं होगी और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट एकदम बनेगा। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, आप देखिए
अब ऊपर से मैं थोड़ा और स्प्रिंग अनियन इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी, वो बाद में इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि वो क्रंची रहे टिल एंड, आई गार्निश इट विद सम ग्रीन कोरिएंडर। भी लास्ट में मैं इसमें थोड़ा विनेगर भी ऐड कर रही हूँ। विनेगर इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, इफ़ यू लाइक द टेस्ट देन यू ऐड, अदरवाइज यू कैन अवॉइड ऑल्सो और यू कैन ऐड लेस ऑल्सो। नाउ इट्स रेडी टू प्लेट। Thank you friends for watching my video. Hope you liked it. Please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for more such recipes.